प्यारे बच्चों, होश उड़ाने वाली आपको वीडियो देने वाला हूं और वीडियो खास तौर से इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप देखते ही रह जाओगे और कहोगे कि सर जी क्या वीडियो बनाई है। तो देखिए, आपकी जो वीडियो है, वक्र आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। कंडीशन आपकी दो दे दी है। पहली कंडीशन में एक्स अक्ष के समांतर बोला है और दूसरी कंडीशन में बोला है वाई अक्ष के समांतर। तो देखिए, वक्र उतार लेते हैं। हमारा जो वक्र दिया है इसने एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। देखिए पहला पार्ट, देखिए आप ध्यान रखें, जब भी एक्स अक्ष के समांतर बोला जाता है तो ध्यान रखना है आपको डिवाइड एक्स जीरो रखनी है, यानी एक्स अक्ष के समांतर। जब भी आपसे एक्स अक्ष के समांतर कहा जाए तो यानी डी वाई अपॉन डी एक्स को आपको जीरो के रखना है, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता जीरो होगी, यानी डिवाइड एक्स। इसका अवकलन कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 2x बटे 9 प्लस 2y बटे 16 और y के सापेक्ष, यानी y की अकॉर्डिंग रखा जाएगा डिवाइड एक्स और 1 का हो जाएगा जीरो। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो यहाँ से हो जाएगा 2y बटे 16 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा माइनस 2x बटे 9। अब हमें यहाँ से डिवाइड एक्स निकालना है, तो डिवाई अपॉन डी एक्स, तो 16 इसमें गुणा करेगा तो माइनस के ये 32x बटे 2y यहाँ करेगा आपका अपॉन में, तो ये 18y। अब देखिए, मैंने बताया था कि x अक्ष के समांतर में जो है आपका डिवाई जीरो, डिवाई अपॉन डी एक्स जीरो रखना है, तो रख दीजिए यहाँ पे, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस 32x बटे 18y। यहाँ से 1 मान लेंगे और देखिए यहाँ से अगर आप देखते हैं तो x की वैल्यू आपको 0 नज़र आ जाती है। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, इस वक्र में x बराबर 0 पुट अप कर देते हैं। तो चलिए यहाँ 0 रख दिया, तो ये 0 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। अब देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर आपका 16 हो जाएगा और y जब निकालेंगे तो अंडर रूट 16, यानी y का जो मान हो गया प्लस माइनस 4 हो गया। तो बिंदु जो आपके हो जाएंगे यहाँ से बिंदु में, आप देखिए पहला वैल्यू आप x की रखेंगे तो x की वैल्यू आपकी 0 है और y की वैल्यू है प्लस माइनस 4। दूसरा पार्ट उसने बोला है कि y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर आपको लेना है। तो देखिए ध्यान रखना है y अक्ष के समांतर जो होता है वो आपका अभिलंब प्रवणता होती है, और बात करते हैं अभिलंब प्रवणता की, तो ये होती है माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई, इसे हम जीरो रखेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी जो डी वाई अपॉन डी एक्स आई थी वो माइनस 32x बटे 18y। देखिए चूँकि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 32x बटे 18y थी, अगर हम इसका माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई करते हैं तो इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा और इसे उल्टा करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 18y बटे 32x। अब देखिए इसमें वाई एक्स के समांतर है तो इसे ज़ीरो रखेंगे, तो चलिए ज़ीरो रख लेते हैं इसे, तो ये आपका हो जाएगा 0 बराबर 18y बटे 32x और यहाँ से हमारी y की वैल्यू 0 नज़र आ जाती है। अब आप 0 रख देंगे वक्र में, तो वक्र आपका था एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। चलिए 0 रखते हैं y के स्थान पर, तो एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस 0 बराबर 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आपका 9 हो जाएगा। जब x निकालेंगे तो ये 9 पे वर्गमूल जाएगा, यानी x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 3। बिंदुओं की बात करते हैं तो यहाँ देख लेंगे आपके जो बिंदुओं हो जाएंगे प्लस माइनस 3,0। तो यहाँ से हमने वाई एक्स पे जो हमारे समांतर कंडीशंस में बिंदु आए हैं प्लस माइनस 3,0 और एक्स अक्ष पर जो बिंदु आए हैं वो आपके जो आए हैं यहाँ पर 0, प्लस माइनस 4। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।